हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी पोर्टल ऑफ एविल स्टोलन रन्स गेम के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आज हम इस वीडियो में इसी गेम के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, पोर्टल ऑफ एविल स्टोलन रन्स गेम को बनाया है एट फ्लोर गेम्स ने, उसे पब्लिश भी एट फ्लोर गेम्स के द्वारा किया गया है। और हम इस गेम की बात करें, यह गेम कब रिलीज हुआ था, तो यह गेम 27 मई 2015 को पूरी दुनिया के लिए रिलीज हो गया था। अगर आप इस गेम को खेलना चाहें तो यह PS4, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक OS X तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए है रिलीज हो चुका है। तो हम तीनों ही प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर खेल सकते हैं। यह गेम 2015 में 27 मई 2015 को पूरी दुनिया में रिलीज हो चुका है। और हम इस गेम की स्टोरी की बात करें तो इसमें है एक एडवेंचर के जो स्टोरी है, मतलब इसके अंदर हमें कुछ सॉल्व करना होता है। इसके अंदर एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है, हमें वो उस दूसरी दुनिया से कुछ स्टाम चुरा कर हमारे सेवे जानी होती है। इसकी पूरी एक स्टोरी है। आपकी पूरी स्टोरी जाना था तो आपको यह गेम जरूर खेलना होगा। हम इस गेम की स्टीम पर प्राइस की बात करें तो इस गेम की स्टीम पर प्राइस 260 रुपये है। अगर आप इस गेम को विंडो PC पर खेलना चाहते हैं तो इसको खेलेंगे आपको 260 रुपये देने होंगे, या अगर आप मैक में खेलना चाहते हैं तो भी आपको 260 रुपये देने ही होंगे। और हम इसकी विंडो PC की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर आप इसकी खेल सकते हो क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो सबसे पहले इसके अंदर होनी चाहिए 200 MB तक की आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, 200 MB ग्राफिक कार्ड की, 1.6 GHz का इंटरपेंडियम का प्रोसेसर चाहिए, और 512 MB रैम चाहिए, और 1100 MB इसके अंदर हमें हार्ड डिस्क चाहिए। तो आपको उस गेम को खेलना है तो आपके पास ये सभी स्पेसिफिकेशन होनी जरूरी है। एक नॉर्मल CPU के अंदर आपको ये स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे अच्छी वीडियो लेके आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।